वहीं आज यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 5 जिलों में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:30 बजे यूपी के कई जिलों में वर्चुअल रैली यहां की जाएगी। मेरठ, अलीगढ़ समेत वेस्ट जिलों में भी साधेंगे वोटर्स को। यूपी विधानसभा चुनाव में कोरोना की वजह से बड़ी रैलियां और रोड शो पर रोक के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली पर जोर देकर वोटरों से जोड़ने की रणनीति अब तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैलियों से वेस्ट यूपी में वोटरों को साधने का काम कर रहे हैं और अब मेरठ, अलीगढ़ समेत वेस्ट यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां डिजिटल रैली 4 फरवरी को करेंगे। वेस्ट यूपी में वर्चुअली चुनाव प्रचार के लिए 4 फरवरी को 1:30 बजे पर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद के वोटरों को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने आगे 6, 7 और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैलियां प्रस्तावित की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने के वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए 122 स्थानों की व्यवस्था भी की गई। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा सभी चरणों के लिए फिजिकल रैली के मानदंडों में ढील के साथ भाजपा इन स्थानों पर 1 लाख से अधिक लोगों की व्यक्तिगत भागीदारी की उम्मीद भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के संबोधन का सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारण किया जाएगा और इससे पार्टी कम से कम 20 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही है। तो मेरठ, अलीगढ़ समेत तमाम यहां पर जिलों विधानसभा जिलों में अब पीएम मोदी चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला यहां पर इस तरह का कोई चुनावी जनसभा नहीं होगी। इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार हर वर्ग को वोटरों को साध चुके हैं और ऐसे में दोपहर 1:30 बजे यूपी के लिए वर्चुअल रैली की जाएगी। हालांकि कोरोना जिस तरह से केस बढ़ते हुए नजर आ रहे, चुनाव आयोग की तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए गए और ऐसे में अब चुनावी जनसभाओं को जो अनुमति दी है उसके चलते बीजेपी अब वर्चुअल प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अब राज्य में वर्चुअल रैली पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। 5 जिलों में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसका सीधा प्रसारण पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और सबसे ज्यादा फोकस जो फिलहाल बीजेपी का नजर आ रहा है वो वेस्ट यूपी है, यानी कि पश्चिमी यूपी के लोगों को किस तरह से साधा जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन की जो आबोहवा थी और बयार थी वो सबसे ज्यादा बहती हुई नजर आई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, किस तरह की वहां पर जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वर्चुअल रैली पीएम मोदी की तरफ से पहली बार की जा रही है? बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी एक वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का इस रैली को करने का मकसद, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है इसका मकसद सीधे सीधे है कि क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उन तमाम प्रोटोकॉलों के अलावा तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने इस तरह की जो व्यवस्था की है। और ये जो वर्चुअल रैली हो रही है ये 5 जिलों की तकरीबन 2.5 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वर्चुअल रैली में एक सबसे बड़ी जो सुविधा आती है वो सुविधा ये है कि जो की वोटर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, केवल उन जिम्मेदार लोगों को ही प्रत्याशी लेके आ रहे हैं। लेकिन कई एक एक विधानसभा हर विधानसभा क्षेत्र में एक जगह ऐसी होगी जहाँ से इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होगी, जिसमें इधर से भी प्रत्याशी सीधे अगर बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री तो उनसे प्रधानमंत्री से बात कर सकेंगे। लेकिन ये जो वर्चुअल रैली है इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और उनको नए टिप्स देना प्रधानमंत्री की इसमें है और यही इसी रणनीति का इसको हिस्सा माना जाए। बिल्कुल, और आगे किस तरह की रणनीति बनेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पश्चिमी यूपी और तमाम जो विधानसभा जिले हैं वहां पर फोकस है कि किस तरह से वर्चुअल रैली प्रचार प्रसार करके आम जनता और वोट बैंक को मजबूत किया जा सकता है।